नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों इस वीडियो में 3 मई के राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, 3 मई को चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के द्वितीय भाव पर संचार करेगा, इसलिए यह दिन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। माता जी के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। कहीं रुका अटका तथा फंसा हुआ धन या भूमि भवन से संबंधित कोई अधूरा पड़ा कार्य है तो प्रयास करने से सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। कुटुंबी जन भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, उनका योगदान भी विशेष रहेगा। आप घर में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। द्वितीय भाव में स्थित चंद्रमा और बुध को मंगल अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, इसलिए जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। जोश जोश में होश ना खोएं, वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही ले। दोस्तों व्यापार कारक बुध और चंद्रमा का धन भाव पर युति योग व्यापारी दोस्तों के धन में विशेष रूप से वृद्धि करेगा। कंसल्टेंसी और ब्रोकरेज संबंधित कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी इस दिन प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। जनता से संबंधित कार्य करने वाले मेरे मेष राशि वाले दोस्तों के लिए यह दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर भी चंद्रमा और बुध का युति योग उत्तम है। प्रेमीजन के साथ संचार के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति करेंगे। इस दिन को और मंगलमय बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। बात करें वृषभ राशि की तो मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, 3 मई को चंद्रमा आपकी राशि में ही संचार करेगा, इसलिए यह दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। शरीर में विशेष बल की अनुभूति करेंगे। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। सकारात्मक सोच से पुरानी कोई उलझने हैं तो वह सुलझ सकती हैं। जोश उत्साह उमंग और ऊर्जा शक्ति से युक्त रहेंगे। आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होगी। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कार्य व्यापार में तेजी आएगी। दोस्तों इस समय कार्य व्यापार को और अधिक बेहतर करने के प्रयासों में सफलता मिलेगी। बुद्धिबल और बाहुबल दोनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से भी व्यापार में तरक्की के रास्ते प्रशस्त होंगे। इस दिन दंपत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। विवाह योग्य उम्र के अविवाहितों के लिए भी यह दिन काफ़ी अनुकूल है। कोई प्रस्ताव वगैरह आ सकता है। जीवन साथी या प्रेमीजन के साथ किसी नज़दीकी स्थल की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों मंगलवार को और मंगलमय बनाने के लिए बच्चों में मिठाई बांटें। बात करें मिथुन राशि की तो मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव पर संचार करेगा। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो अनावश्यक व्यय चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य इस दिन पूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों विदेश से संबंधित कोई अधूरा पड़ा कार्य है तो पूर्ण करने के लिए यह समय आपको बेहतर अवसर दे रहा है। आपके मन में भी इस समय विदेश जाने की इच्छा प्रबल होगी। इस समय आपके मन में घर की साज सजावट करने के प्रति भी रुचि उत्पन्न होगी तथा इसके लिए आप व्यय भी कर सकते हैं। घर को साफ सुंदर बनाने की चाहत प्रबल होगी। इस दिन सतर्क भी रहें। आपसे विरोधाभास रखने वाले और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले षड्यंत्र रच मान हानि करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। चौकन्ने रहें। सुस्ती आलस और थकान जैसे भाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। कन्या की सेवा करने से राशि को मजबूती मिलेगी। बात करें कर्क राशि की तो मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, 3 मई आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद साबित होगा।
इस दिन चंद्रमा आपकी राशि के लाभ स्थान पर गोचरस्थ रहेगा। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो उस भाव पर चंद्रमा का गोचर भला आपको लाभ कैसे नहीं देगा। चंद्रमा राशि स्वामी भी है, इसलिए चंद्रमा का यह गोचर और अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद बन गया है। दोस्तों इस दिन आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, आय में विशेष वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह दिन काफ़ी लाभप्रद रहेगा। लिक्विड पदार्थों से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों की तो पांचों उंगलियां घी में रहेंगी। मानसिक रूप से भी मजबूती के साथ सुख शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी चंद्रमा विशेष लाभ प्रदान करेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी से समय व्यतीत करेंगे। स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी यह दिन बहुत शानदार है। प्रेम संबंधों में पहले से अधिक लगाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले दोस्तों को इस दिन हर मोर्चे पर लाभ होता दिखाई देगा। दोस्तों बात करें सिंह राशि की तो मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों 3 मई आपके लिए बहुत खास है। इस दिन चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव पर संचार करेगा। दशम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव कर्म से संबंधित है, इसलिए इस भाव को कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कर्म भाव पर चंद्रमा का गोचर हर कार्य में विजयी बनाता है। कर्म भाव पर गोचरस्थ चंद्रमा के भी सूर्य के समान बहुत ही उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका दबदबा बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे तथा वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। अधूरे पड़े कार्य कम प्रयास करने से बहुत ही सहजता से पूर्ण होते दिखाई देंगे। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। सुख शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की चाहत वाले दोस्तों को यह समय विशेष रूप से खास रहेगा। कार्य व्यवसाय के संबंध में विदेश से तार जुड़ सकते हैं। इस दिन आपका मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। दोस्तों अधिक शुभ फल पाने के लिए सूर्य को संदूर मिला जल अर्पित करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों 3 मई को चंद्रमा आपकी राशि के भाग्य स्थान पर संचार करेगा। इस दिन भाग्य के सुख एवं सहयोग से लाभ की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, परंतु कार्य व्यवसाय के संबंध में कुछ भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों भागदौड़ से घबराए नहीं, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। ईश्वरीय शक्ति पर आस्था बनाई रखें। अंत में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। अपने कार्य व्यवसाय को और अधिक बेहतर करने के लिए मन में नए विचारों का जन्म होगा। ऑनलाइन और संचार के माध्यम से भी अपने कार्य व्यवसाय और व्यापार में विस्तार की योजना बनाएंगे तथा उस पर काम करेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा उनके माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। इस दिन आप शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। भाग्य भाव पर राशि स्वामी बुध और उच्च चंद्रमा का युति योग बहुत उत्तम बना हुआ है। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इस दिन उपाय के रूप में कन्या की सेवा करें। दोस्तों अब बात करते हैं तुला राशि की। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों 3 मई को चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेगा। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और बाधक स्थान है। दोस्तों इस दिन आप सतर्क बने रहें, आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें, ओवर थिंकिंग में ना फंसे, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, विचारों में सकारात्मकता बनाई रखें। इस दिन कोई बड़ा लाभ या कोई बड़ी हानि हो सकती है। चोर चोट और दुर्घटना के प्रति भी सतर्क रहें। आपसे विरोधाभास रखने वाले झूठी अफवाहों से मान सम्मान में कमी करने का पुरियोर प्रयत्न करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवादित मामला है तो इस दिन उस मामले को ना छेड़ें, शांति रहने दें। पिता के साथ तालमेल बनाए रखें। स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आज के दिन उसे टाल दे तो बेहतर है, या बुद्धि विवेक से जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं।
जोखिमपूर्ण निवेश में हाथ ना डालें, सुरक्षित निवेश ही करें। उपाय के रूप में शिव की आराधना करें। दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 3 मई को चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार करेगा। दोस्तों इसलिए यह दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। जीवन साथी के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार में विस्तार करने के लिए नवीन विचारधारा और नई योजनाओं का जन्म होगा। भाग्य की भी प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य की प्रबलता से ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में तेजी आएगी। जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से भी व्यापार में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। प्रेमियों के लिए भी यह समय आनंदमय और सुखमय रहेगा। मंगलवार को मंगलमय बनाने के लिए बच्चों में प्रसाद बांटें। अब बात करते हैं धनुराशि की। मेरे धनुराशि वाले दोस्तों, 3 मई को आपको शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। इस दिन आप शत्रुओं पर पूर्ण रूप से हावी रहेंगे। इस दिन चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर करेगा, अर्थात शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेगा। दोस्तों शत्रु स्थान पर चंद्रमा का गोचर शत्रुओं को उखाड़ फेंकेगा। इस दिन आप शत्रु मुक्त रहेंगे। शत्रुओं के साथ साथ रोगों का भी नाश होगा। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। इस दिन घूमने फिरने और मौज मस्ती के कार्यों पर कुछ वाय भी करेंगे। प्रेमियों को भी इस दिन प्रेमीजन के साथ समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए 3 मई का दिन सकारात्मक रहेगा और बेहतर बनाने के लिए उपाय के रूप में केसर का तिलक करें। बात करें मकर राशि की तो मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, 3 मई को चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार करेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी तथा संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन में भी आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। आर्थिक तरक्की के लिए जीवन साथी का योगदान मिलेगा। निवेश कार्यों से लाभ होगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए यह दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा। दोस्तों प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों के लिए भी यह दिन बहुत बेहतरीन है। प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में एक कदम आगे बढ़ेंगे, परंतु जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि क्रोध और आवेश में वृद्धि करेगी, इसलिए धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। जोश जोश में होश भी बनाए रखें। क्रोध की अधिकता और वाणी की कड़वाहट से बने बनाए कार्य बाधित हो सकते हैं। उपाय के रूप में धर्म स्थान पर जाएं और प्रसाद चढ़ाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, 3 मई को चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर संचार करेगा। इस दिन घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दिन मन में सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा जनता के मन में आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। प्रेमियों के लिए भी यह दिन मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। खासकर इस दिन अपने प्रेमीजन की मुलाकात घर परिवार के सदस्यों के साथ करवा सकते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार प्रेम संबंधों को घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और रजामंदी प्राप्त हो सकती है। इससे मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। उपाय के रूप में इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों अब बात करते हैं मीन राशि की। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, 3 मई को चंद्रमा आपकी राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करेगा, जो कि आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। चंद्रमा का यह गोचर बहुत उत्तम है। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल सफलता दिलाएगा। बाहुबल और भाग्यबल दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है। दोस्तों कुछ नया करने और निवेश संबंधी जोखिम लेने के उद्देश्य से आपका उच्च मनोबल बहुत सहायक सिद्ध होगा।
शत्रु भी आपके नियंत्रण में रहेंगे। कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में विजयी होंगे। दंपत्य जीवन और प्रेम जीवन में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। जीवन साथी या प्रेमीजन के साथ समय व्यतीत करने और नजदीकी यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। लेखन एवं संचार कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह दिन विशेष रूप से अस्थित सफलता और उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य व्यापार में विस्तार करेंगे। प्रेमीजन भी इस दिन संचार के माध्यम से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर मीन राशि वाले दोस्तों के लिए 3 मई काफ़ी सकारात्मक है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।